सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में और मैं हूं रमेश सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोन डायलर की और जानेंगे फ़ोन डायलर की ऑल सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों, चाहे आप बेसिक फ़ोन यूज़ करते हों या फिर एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र हों या आईफोन का यूज़ करते हों, इन सभी में एक फ़ोन डायलर ही है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स को बनाने के पीछे जो सबसे पहला रीज़न है वो है एक दूसरे से कॉलिंग के थ्रू कम्युनिकेट करना। और कॉलिंग के लिए हम सभी फ़ोन डायलर का यूज़ करते हैं, इसलिए दोस्तों फ़ोन डायलर के बारे में पूरी जानकारी लेना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई लोग हैं जो इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं जानते हैं कि फ़ोन डायलर में हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं और किस तरह से हम उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फ़ोन डायलर की A to Z सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको फ़ोन डायलर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ़ोन डायलर को ओपन करने के बाद जैसे ही आप टॉप राइट साइड में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, स्पीड डायल नंबर्स, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने मोबाइल डायलर के किसी भी नंबर को किसी भी मोबाइल नंबर के लिए असाइन कर सकते हैं। डायलर में जो एक नंबर है वो पहले से ही बाई डिफ़ॉल्ट वॉइस मेल के लिए असाइन होता है, इसलिए आप 2 से ऊपर बाकी नंबर्स को अलग अलग मोबाइल नंबर के लिए असाइन कर सकते हैं। अगर आपको 2 नंबर पर कोई मोबाइल नंबर असाइन करना है तो यहाँ पर इस बॉक्स में आप उस नंबर को टाइप कर सकते हैं, या फिर इस आइकन पर क्लिक करके आप अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से भी कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 2 नंबर पर इस कॉन्टैक्ट को असाइन कर दिया है। इसी तरह से आप भी 2 नंबर से लेकर 999 नंबर तक किसी भी मोबाइल नंबर को डायलर कीपैड के नंबर पर सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 2 नंबर यश रावत को असाइन किया है। तो अब मैं डायलर ओपन करता हूँ और यहाँ पर 2 नंबर को लॉन्ग प्रेस करता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यश रावत को फ़ोन डायल हो गया है सिर्फ फ़ोन डायलर में 2 नंबर को थोड़ी देर दबाने पर। तो इस तरह से दोस्तों आप स्पीड डायल का यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन डायलर में अलग अलग नंबर्स पर अलग अलग कॉन्टैक्ट्स को सेट करके एक क्लिक में उनका नंबर डायल कर सकते हैं। स्पीड डायल नंबर्स को दोस्तों आप यहां से भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 3 नंबर पर मुझे किसी कॉन्टैक्ट को सेट करना, तो इस तरह से मैं यहां पर 3 नंबर को लॉन्ग प्रेस करूंगा। अब एक पॉपअप ओपन हो गया, तो यहां पर मैं असाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहां पर मेरी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी ओपन हो गई है। अब यहां से मैं किसी भी कॉन्टैक्ट को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, वो कॉन्टैक्ट 3 नंबर के लिए असाइन हो जाएगा और मैं 3 नंबर को लॉन्ग प्रेस करके उसे ईजिली कॉल कर सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप भी स्पीड डायल नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन टू कीबोर्ड, तो इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन डायलर को ऑलवेज फ्रंट में सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, अगर आप फ़ोन डायलर को ओपन करते हैं और रीसेंट डायल या फिर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं, और इसके बाद मान लीजिए आप फ़ोन डायलर को क्लोज करके वापस दोबारा से ओपन करते हैं, तो आपके सामने डायलर ओपन नहीं होगा बल्कि रीसेंट कॉल या फिर कॉन्टैक्ट ओपन होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहां पर ओपन टू कीबोर्ड के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो जब भी आप अपना फ़ोन डायलर क्लोज करके उसे दोबारा से ओपन करेंगे, तो इस तरह से हमेशा डायलर ही ओपन होगा, चाहे आप कॉन्टैक्ट में जाकर इसे क्लोज करते हैं या फिर रिसेंट कॉल्स में जाकर क्लोज करके ओपन करते हैं, तो हमेशा फ़ोन डायलर ही ओपन होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स का, तो इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो पहले हम बाकी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करके टॉप राइट साइड में ये 3 डॉट्स पर जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से अपने अकॉर्डिंग कितने भी कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको अपनी पूरी डायरेक्टरी डिलीट करनी है, तो यहाँ पर ऑल के इस ऑप्शन पर आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी सेलेक्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर टॉप राइट साइड में डिलीट किए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको सिर्फ कुछ कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करने हैं, तो इस तरह से 1 by 1 करके आपको उन सभी कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है जिनको आप डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आपको टॉप राइट कॉर्नर पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी पूरी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी किसी को
शेयर कर सकते हैं या फिर इस तरह से कुछ कॉन्टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्पीड डायल नंबर्स का, तो इसके बारे में हम पहले ही इस वीडियो में जान चुके हैं। वैसे यहाँ से भी आप स्पीड डायल नंबर्स को सेट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम फोन डायलर की सेटिंग्स फीचर में आ गए हैं, तो अब वन बाय वन करके फ़ोन डायलर की सेटिंग्स फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग फीचर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप ये फर्स्ट फीचर देख सकते हैं, हाइड कॉन्टैक्ट्स विदाउट नंबर्स। तो दोस्तों अगर इसके सामने ये टॉगल बटन इनेबल रहता है तो जो आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी है उसमें आपने कोई ऐसा कॉन्टैक्ट सेव कर लिया है जिसका नंबर आपने सेव नहीं किया है, सिर्फ उसका नाम ही नाम आपने ऐड किया है और नंबर उस कॉन्टैक्ट के साथ ऐड नहीं किया है, तो हाइड हो जाएगा यानी कि कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी में शो नहीं होगा। ऐसे सभी कॉन्टैक्ट्स जिनका कोई नंबर नहीं है वो सभी कॉन्टैक्ट्स हाइड हो जाएंगे। अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो वो सभी विदाउट नंबर वाले कॉन्टैक्ट्स आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी में शो होने लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक नंबर्स का, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपने जितने भी नंबर्स को ब्लॉक किया होगा वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप यहां से ब्लॉक किए गए नंबर्स को हटा भी सकते हैं और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी से किसी भी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करके उसे ब्लॉक कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों आप टॉप साइड में ये ऑप्शन देख सकते हैं ब्लॉक अननोन कॉलर्स। तो गाइस इसके सामने अगर आप इस टॉगल बटन को इनेबल कर देते हैं तो जितने भी अननोन कॉलर्स होंगे वो आपको फ़ोन नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो भी ऐसे नंबर से आपको फ़ोन करेगा जो आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी में सेव नहीं है तो वो ब्लॉक हो जाएंगे और उन नंबर से आपको फ़ोन नहीं आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक डिक्लाइन मैसेजेस। तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ क्विक डिक्लाइन मैसेजेस आ जाएंगे, यानी कि ऐसे मैसेजेस जिन्हें आप किसी की कॉल आने पर उस कॉल को डिक्लाइन करते हुए भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कॉल करता है और आप उस कॉल को उठाना नहीं चाहते हैं, उसे आप काट देना चाहते हैं, डिक्लाइन कर देना चाहते हैं, तो ऐसे में आप उस कॉल को काटने के साथ ही इन मैसेजेस को भेज सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ टेक्स्ट मी, कैन यू कॉल बैक लेटर एंड आई विल कॉल यू बैक। तो इस तरह से दोस्तों इन डिफ़ॉल्ट मैसेजेस को आप कॉल डिक्लाइन करते समय सेंड कर सकते हैं या फिर इस बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिक्लाइन मैसेज ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी मैसेजेस ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई कॉल करता है और आप उस कॉल को उठाना नहीं चाहते हैं फिलहाल, और साथ ही आप उसको मैसेज भी भेजना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको बॉटम साइड में सेंड मैसेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से बॉटम साइड से एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें डिक्लाइन मैसेजेस होंगे। तो गाइज इनमें से कोई भी मैसेज अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कॉल कट जाएगी और इसके साथ ही कॉलर को आपका सेलेक्ट किया मैसेज भी सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप क्विक डिक्लाइन मैसेज का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। तो आप इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रेस होम की टू आंसर कॉल्स के सामने इस टॉगल बटन को अगर इनेबल करते हैं तो इसके बाद कॉल आने पर आप अपने मोबाइल फ़ोन की होम की से उस कॉल को उठा सकते हैं, उसे पिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ऑटोमेटिक आंसर के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल कर देते हैं तो जब भी आप अपने फ़ोन में हेडफोन यूज़ कर रहे हों या फिर ब्लूटूथ से आपने कनेक्ट किया हो, ऐसे में कोई आपको इनकमिंग कॉल आती है तो वो 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी, यानी कि आपको अपने फ़ोन से किसी आंसर कॉल बटन को नहीं दबाना है, कॉल आने पर अपने आप फ़ोन उठ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेस पावर की टू एंड कॉल्स। तो गाइज अगर आप इसके सामने ये टॉगल बटन इनेबल कर देते हैं तो आपके फ़ोन की जो पावर की है उससे आप इनकमिंग कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है शो कॉलर इन्फॉर्मेशन। तो गाइज इस ऑप्शन के सामने ये टॉगल बटन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है तो इसे आपको इनेबल ही रहने देना है क्योंकि इससे आपको कॉलर की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी शो होती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है शो कॉल्स इन पॉपअप। तो गाइज इसके सामने अगर आप इस टॉगल बटन को इनेबल कर देते हैं तो इसके बाद मान लीजिए आप कोई अदर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हों, आप फेसबुक पर ब्राउजिंग कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप चैट कर रहे हो और ऐसे में आपको कोई कॉल करता है तो वो जो इनकमिंग कॉल है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन को पूरा कवर नहीं करेगी, यानी कि इनकमिंग कॉल आने पर वो कॉल आपको इस तरह से टॉप साइड में पॉपअप में शो होगी जिसे आप आंसर या डिक्लाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है कॉल अलर्ट्स। तो गाइस कॉल अलर्ट्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर वाइब्रेट व्हेन आंसर्ड के सामने इस टॉगल बटन को आप इनेबल कर देते हैं तो
जब भी आप किसी को कॉल करते हैं और सामने वाला जैसे आपकी कॉल उठाएगा तो आपके फ़ोन में एक हल्का सा वाइब्रेशन होगा, यानी कि कॉल उठाते ही आपका फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट होगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि कॉल एंड होने पर भी आपका फ़ोन वाइब्रेट करे तो यहाँ पर आप वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि कॉल कनेक्ट और डिसकनेक्ट होने पर भी आपको एक अलग से टोन सुनाई दे तो यहाँ पर आप प्ले टोन व्हेन कॉल कनेक्ट्स और प्ले टोन व्हेन कॉल एंड्स के सामने इन टॉगल बटन्स को इनेबल करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नोटिफाई ड्यूरिंग कॉल्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसके सामने ये टॉगल बटन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। इससे होता ही है दोस्तों कि अगर आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं और इस बीच आपको कोई नोटिफिकेशन मिलता है या फिर आपने कोई अलार्म टाइम सेट किया है तो उसकी टोन आपको सुनाई देगी, और साथ ही अगर किसी दूसरे का कॉल आपको इस दौरान आता है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपकी स्क्रीन पर प्ले होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है रिंग टोन्स एंड कीपैड टोन्स, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर रिंग टोन्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन की जो रिंग टोन है उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके फ़ोन की जो डिफ़ॉल्ट रिंग टोन्स होंगी उसकी एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो इनमें से आप कोई भी रिंग टोन सेट कर सकते हैं अपनी फ़ोन कॉल्स के लिए। यहीं पर आप टॉप राइट कॉर्नर पर ऐड का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी मोबाइल गैलरी से कोई भी MP3 फाइल या फिर ऑडियो सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन की रिंगटोन के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप वाइब्रेशन पैटर्न के इस ऑप्शन पर क्लिक करके वाइब्रेशन के अलग अलग पैटर्न देख सकते हैं और उन्हें रिंगटोन के साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप वाइब्रेट व्हेन रिंगिंग का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसके सामने टॉगल बटन को ऑन करके आप रिंगटोन के साथ वाइब्रेशन इनेबल कर सकते हैं, और अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो रिंगटोन के साथ वाइब्रेशन नहीं होगा। मेरा फ़ोन अभी वाइब्रेशन मोड में है इसलिए ये ऑप्शन अभी हाईलाइटेड नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डायलिंग कीपैड टोन, तो इसके सामने ये टॉगल बटन अगर इनेबल है तो फ़ोन डायलर में जब भी आप कोई नंबर डायल करेंगे, जैसे आप किसी नंबर पर टैप करेंगे तो उसका एक अलग से डायलिंग टोन प्ले होगा। अगर आप नहीं चाहते कि कोई नंबर डायल करते टाइम आपको कोई साउंड सुनाई दे तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप रिकॉर्ड कॉल्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, तो यहाँ से आप अपने फ़ोन पर कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशंस के सामने अगर आप इस टॉगल बटन को इनेबल कर देते हैं तो कॉल रिकॉर्ड हो जाने के बाद आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहीं पर आप ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपके फ़ोन पर कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगी। जैसे आप इसके सामने इस टॉगल बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और जब भी आपको कोई कॉल आएगी तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। यहीं पर दोस्तों आप स्टोरेज लोकेशन का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप ये सेट कर सकते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग कहाँ पर सेव करनी है, यानी कि आप SD कार्ड में करना चाहते हैं या फिर इंटरनल स्टोरेज में, ये सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। रिकॉर्ड कॉल्स के बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है रोमिंग असिस्टेंट, तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहां पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेलेक्ट कंट्री का ऑप्शन सेलेक्ट रहता है, तो इससे ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर रोमिंग इनेबल हो जाती है, और जब भी आप किसी अदर स्टेट में हो या फिर आप अब्रॉड में हो तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर पर कंट्री कोड लग जाता है जैसे कोई आपको कॉल करता है। तो अगर आप हमेशा के लिए रोमिंग इनेबल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑलवेज कॉल रोमिंग कंट्री के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हर कॉल पर आप मैन्युअली रोमिंग इनेबल करें तो यहाँ पर आप आस्क फॉर ईच कॉल का ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप मोर सेटिंग्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ और सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं सो माई कॉलर ID, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सो नंबर सिलेक्टेड रहता है, इससे जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो आपका नंबर रिसीवर को शो होता है और आपकी एक दूसरे से बात हो पाती है। यहीं पर दोस्तों अगर आप हाइड नंबर के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोन से किसी को कॉल नहीं जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर नेटवर्क डिफ़ॉल्ट के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो नेटवर्क के अकॉर्डिंग कॉल इनेबल और डिसेबल हो सकती है। इसके बाद कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हैं, तो इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल। तो गाइज इन दोनों ही ऑप्शंस के लिए आप कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल कर सकते हैं। यहां पर वॉइस कॉल पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे, तो यहां पर आप
ऑलवेज फॉरवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोन पर आने वाली सभी इनकमिंग कॉल्स को किसी अदर नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर आपको उस नंबर को एंटर करना है जिस पर आप अपनी सभी कॉल्स को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी कोई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके नंबर पर आप अपनी सभी कॉल्स को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। नंबर एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर इनेबल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके फ़ोन पर कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल हो जाएगी, और इसके बाद जब भी आपके फ़ोन पर कोई कॉल आएगी तो वो डायरेक्ट उस नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगी जो आपने ऐड किया होगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन पर सभी इनकमिंग कॉल्स फॉरवर्ड ना हो, सिर्फ तभी फॉरवर्ड हो जब आपका फ़ोन बिजी हो, तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड व्हेन बिजी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस पॉपअप में कोई अदर नंबर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इनकमिंग कॉल नहीं उठाने पर ही वो कॉल किसी और नंबर पर फॉरवर्ड हो, तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस पॉपअप में फॉरवर्डिंग नंबर ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कॉल करे और आपका फ़ोन अनरीचेबल हो, तो इस कंडीशन में आपकी इनकमिंग कॉल फॉरवर्ड हो, तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना अदर नंबर ऐड कर सकते हैं। सेम यही सेटिंग्स दोस्तों आप वीडियो कॉल्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने सेम वही ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ से आप अपनी सभी वीडियो कॉल फॉरवर्ड करने की सेटिंग कर सकते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉल बेयरिंग। तो गाइस, इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल। तो गाइस, यहाँ पर वॉइस कॉल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर दो सेक्शंस आप देख सकते हैं, आउटगोइंग कॉल्स एंड इनकमिंग कॉल्स। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन पर सभी आउटगोइंग कॉल्स को बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ऑल आउटगोइंग कॉल्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने आपको इस टॉगल बटन को इनेबल करना होगा, जिसके बाद आपके फ़ोन पर आउटगोइंग कॉल्स डिसेबल हो जाएंगी। जैसे आप इसके सामने इस टॉगल बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कोड एंटर करना होगा, या फिर अगर आपने अपने फ़ोन पर कोई सिक्योरिटी की इनेबल की है तो आपको वो सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। और अगर आपने कोई सिक्योरिटी पिन नहीं लगाया है और अपने फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कोड नहीं जानते हैं, तो आप गूगल पर अपने फ़ोन का मॉडल नंबर लिख के उसका डिफ़ॉल्ट पिन सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने फ़ोन का डिफ़ॉल्ट पिन एंटर करता हूँ। इसी तरह से आपको एंटर करना है और ओके पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद इस तरह से ऑल आउटगोइंग कॉल्स का ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आपके फ़ोन से किसी भी तरह की आउटगोइंग कॉल नहीं हो पाएगी। और अगर आप फिर से अपने फ़ोन पर आउटगोइंग को इनेबल करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन से किसी भी तरह की इंटरनेशनल कॉल ना हो पाए, तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल कॉल के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी अदर कंट्री में हो और आपकी होम कंट्री के अलावा किसी अदर कंट्री में कॉल ना जाए, तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल कॉल्स एक्सेप्ट होम के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन पर किसी भी तरह की इनकमिंग कॉल ना आ पाए, तो यहाँ पर आप ऑल इनकमिंग कॉल्स के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल करके रख सकते हैं, या फिर रोमिंग के दौरान आप सभी इनकमिंग कॉल्स को डिसेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ऑल इनकमिंग कॉल्स व्हेन रोमिंग के इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। ये सभी सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अपना डिफ़ॉल्ट पिन एंटर करना होगा। सेम यही कॉल बेयरिंग सेटिंग दोस्तों आप वीडियो कॉल्स के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। कॉल बेयरिंग के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कॉल वेटिंग। तो गाइस, इस ऑप्शन के सामने टॉगल बटन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। इससे होता ही है दोस्तों कि जब भी आप किसी कॉल में बिजी हों और इस दौरान आपको कोई और व्यक्ति कॉल करे, तो उसका अलर्ट भी आपकी स्क्रीन पर आता रहता है। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे, तो किसी भी कॉल के दौरान आपको इस तरह का अलर्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स डायलिंग नंबर्स। तो गाइस, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी नंबर्स फिक्स डायलिंग नंबर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और जैसे आप कुछ नंबर्स इस लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, तो सिर्फ आपके फ़ोन से उन्हीं नंबर पर कॉल हो पाएगी और किसी अदर नंबर पर कॉल नहीं जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इनेबल FDN के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का डिफ़ॉल्ट पिन एंटर करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना FDN पिन नंबर चेंज भी
कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको फिक्स डायलिंग नंबर ऐड करना है तो यहाँ पर आपको FDN लिस्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कॉन्टैक्ट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले FDN कॉन्टैक्ट का नेम एंटर करना है, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर आपको एंटर करना है और पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक बार फिर से अपना डिफ़ॉल्ट पिन एंटर करना है और टॉप साइड में सेव के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप FDN लिस्ट में अपने अकॉर्डिंग कितने भी कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं अपने फ़ोन से किसी भी अदर नंबर को डायल करके कॉल करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर कॉल नहीं जा रही है। कॉल करते ही इस तरह से एक पॉपअप में मैसेज आ रहा है, आउटगोइंग कॉल्स आर रिस्ट्रिक्टेड बाय FDN। तो इस तरह से दोस्तों आप भी फिक्स डायलिंग नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और उनके अलावा बाकी सभी नंबर्स पर कॉलिंग को ब्लॉक कर सकते हैं। फिक्स डायलिंग नंबर्स के अलावा और किसी अदर नंबर पर कॉलिंग नहीं होगी, और अगर आप फिक्स डायलिंग नंबर लिस्ट से किसी नंबर को डायल करेंगे तो उस पर इजीली कॉल चली जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग कुछ फिक्स्ड नंबर्स पर कॉलिंग को इनेबल रख सकते हैं और उनके अलावा बाकी अदर नंबर्स पर कॉलिंग डिसेबल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको फिक्स डायलिंग नंबर्स को डिसेबल करना है तो यहाँ पर आपको डिसेबल FDN ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंटर करना है, जिसके बाद वापस फिक्स डायलिंग नंबर फीचर डिसेबल हो जाएगा। अब आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मोर सेटिंग्स के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सर्विस प्रोवाइडर, तो इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट माई कैरियर सिलेक्टेड होगा। तो दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट वॉइस मेल सर्विस प्रोवाइडर सेटिंग होती है, जिसमें आप अपने वॉइस मेल नंबर पर किसी का भी ऑडियो मैसेज रिसीव कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है और आपकी कॉल कनेक्ट नहीं होती है तो ऐसे में वो आपको वॉइस नोट सेंड कर सकता है जो आपको आपके वॉइस मेल नंबर पर रिसीव होती है। यहीं पर दोस्तों आप वॉइस मेल सेटिंग्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना वॉइस मेल नंबर ऐड कर सकते हैं और उस नंबर पर अपने ऑडियो मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप ये सेकंड लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं नोटिफिकेशंस का, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोन डायलर ऐप की नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कॉल नोटिफिकेशंस की अलग अलग प्रायोरिटीज शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको अर्जेंट ऑप्शन को ही सेलेक्ट रहने देना है, क्योंकि कोई भी इनकमिंग कॉल्स की नोटिफिकेशन हमें तुरंत मिल जानी चाहिए। इसके बाद साउंड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इन ऐप साउंड को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड को ही सेलेक्ट रहने दीजिए। इससे जो भी आपकी रिंगटोन होगी, जो भी आपका टैपिंग साउंड होगा, वो वैसे रहेंगे जैसे आपने उन्हें कस्टमाइज़ किया होगा। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर आप वाइब्रेट का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसके सामने अगर आप इस टॉगल बटन को इनेबल कर देंगे तो आपकी इनकमिंग कॉल्स और अदर नोटिफिकेशंस पर वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों आप ब्लिंक लाइट का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसके सामने अगर आप इस टॉगल बटन को इनेबल कर देंगे तो फोन कॉल से रिलेटेड नोटिफिकेशंस रिसीव होने पर मोबाइल स्क्रीन पर लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ऑन लॉक स्क्रीन का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा, तो यहाँ पर शो कंटेंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है, यानी कि कॉलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पर शो होंगे। और अगर आप यहाँ पर हाइड कंटेंट या डू नॉट शो नोटिफिकेशंस में से किसी को भी सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह की नोटिफिकेशंस हाइड हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब कस्टम एक्सेप्शन, तो गाइज अगर आप इसके सामने इस टॉगल बटन को इनेबल कर देते हैं तो अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस को इनेबल किया हुआ है तो ऐसे में बाकी सभी नोटिफिकेशंस को छोड़कर ऐसी नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होंगी जिनको आपने अलाउड किया होगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप ये लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं अबाउट फ़ोन का, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आप फ़ोन डायलर ऐप का वर्जन देख सकते हैं और ऐप इन्फो भी चेक कर सकते हैं। ये ऐप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर अपडेट का कोई ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स फ़ोन डायलर के सभी सेटिंग्स एंड फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।